सोचने का परिवेश है। अब देखें आपकी खबर, विश्व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 समेश्वर गिरी महाराज को राष्ट्रीय कांग्रेस शासकीय बनाएगा। देखिए हमारी हम सनातन धर्म के रक्षक हैं और हम इसको धरातल से जो रसातल में ले जा रहा है उसको हम नहीं जाने देंगे। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, 18 मिनट का एक ऑडियो है जो कि हमारे गुरु जी का है, इसको सुने। और मेरा मानना है कि अगर आपने इसको सुना और अगर आपने इसको अध्ययन करके गहन में ले लिया तो आपका भविष्य। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंडित श्रवण कुमार दुबे, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विश्व हिंदू महासभा। मैं यहाँ पर कल सोमेश्वर गिरी जी राजमंत जो है यहाँ पर उनको विश्व हिंदू महासभा का संगठन प्रभारी नियुक्त किया गया। इससे पहले भी हम कई बार यहाँ पर आधिकारिक दौरे पे आए। जिस तरीके से अमरकंटक का नाम विख्यात है और यहाँ का तपस्या सभी देशों में से लेके पूरे भारतवर्ष में एक अपना ये अलग स्थान रखता है, मेरा मानना ये है कि शासन और प्रशासन और यहाँ की लोकल जनता से भी मेरी ये अपील है कि ये एक अमरकंटक तीर्थ स्थल है और इसकी गरिमा को धूमिल ना होने दिया जाए। ख़ास तौर से जब बाहर का आदमी यहाँ पर आता है और उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो यहाँ से मैसेज गलत जाता है, फिर क्या होता है कि जो पर्यटन जो असर है उसका असर पूरा पर्यटन पे आएगा। एक आदमी जब यहाँ से जाएगा और वहाँ पर वो 10 लोग को भी अगर बताता है कि भाई यहाँ पर इस तरीके की अव्यवस्था है और इस तरीके के हालात हैं तो 400 को बताएगा तो कहीं ना कहीं अमरकंटक की गरिमा जो है इससे ठेस पहुँच रही है। और जिस तरीके से महादेव की यहाँ तपस्थली और बहुत बहुत ऋषियों की तपस्थली और इतने बड़ी जड़ी बूटियों का यहाँ पर खदान है तो मैं हमारा मानना यह है कि कम से कम हम लोग अगर यहाँ पर अपनी सही व्यवस्था ना दे पाए तो कम से कम अव्यवस्था ना करें। बाहर के लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था सही हो। जैसे सोनमुड़ा का बंदरों का आतंक है तो बंदर बाहर के आदमी को आते हैं काट देते हैं तो ये एक समस्या का पर्याय है। लाइटिंग की व्यवस्था है और भी रोड की व्यवस्था है, ये सब हमें यहाँ पर सुदृढ़ रूप से शासन और प्रशासन को देना चाहिए। एक धर्म स्थान है, धर्म स्थान की अपनी जो गरिमा है, मैं यहाँ के लोकल पब्लिक से और शासन और प्रशासन दोनों से मेरा ये निवेदन है कि कम से कम असामाजिक तत्व नापन पे इसकी और थोड़ी व्यवस्था दिखे जिससे बाहर का जो पर्यटन आता है उसे किसी भी प्रकार की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।